डॉक्टर अनुराग जी भी ऊपर आ जाएंगे। आज एक डॉक्टर साहब नई औषधि लेकर के आए हैं। इधर मेरे बाई तरफ रखा शिवलिंग की पुत्र जीवक, और इन शिवलिंग की पुत्र जीवक के साथ एस्ट्रैक्ट निकाल करके इनका हमने संतति सुधा देनी शुरू कर दी। और संतति का मतलब लड़का लड़की नहीं होता है, संतान होता है। तो नाम ही हमने इसका संतति सुधा रख दिया। पहले पुत्र जीवक शिवलिंगी था, और ये इससे इनफर्टिलिटी कैसे दूर होती है, हमने पूरा विश्व के इतिहास में पहली बार सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल का, ड्रग डिस्कवरी का पूरा काम करके निसंतानों को लोग 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए लूट लेते हैं, और फिर भी बच्चे पैदा नहीं होते, और पैदा होते हैं तो बीमार पैदा होते हैं। हमने इसका जो प्रयोग किया है ना, आप सुनेंगे तो आपको, मैंने भी जब पहली बार इसके डेटा देखे संतति सुधा के, और अब तो इन्होंने यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन ग्रिट, उसके भी डेटा तैयार कर लिए। अब किसी कोई भी ऐसा नहीं बचेगा धरती पर जिसके बच्चे ना हो, जिसको हमारी तरह ब्रह्मचारी रहना हो उनको छोड़ करके। माने स्वामी रामदेव जैसे, योगी आदित्यनाथ जी जैसे, या मोदी साहब जैसे, जिन्होंने जो है सारे संसार को ही अपना परिवार मान लिया, उनको छोड़ करके जो परिवार वाले हैं उनका परिवार पूरा बसाएंगे, पूरा बनाएंगे। ये तो पहली बार जब हमने इनके जेब्रा फिश के ऊपर किया था ना, तो उनके इतने ज़्यादा बच्चे पैदा होने लग गए, उनका पूरा उनके भीतर इनफर्टिलिटी जनरेट की गई केमिकल्स दे करके, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा बैठा दिया, खत्म कर दिया, और उसके बाद उनको ठीक कर दिया। जो सही सलामत है उनके तो खूब पैदा होंगे, लेकिन ज़्यादा पैदा मत करना। लेकिन किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे कैसे पैदा हो। बताओ डॉक्टर साहब, अनुलोम विलोम करो। ओम स्वामी जी। तो स्वामी जी, आज हम बात करेंगे इम्पेयर्ड फर्टिलिटी के बारे में, जहाँ फर्टिलिटी कम हो जाती है या फिर ख़त्म होने के कगार पे होती है स्वामी जी। और ये देखेंगे कि इस संदर्भ में जो हमारी दोनों औषधियाँ हैं, शिवलिंगी, पुत्र जीवक, या उनका कॉम्बिनेशन संतति सुधा कैसे काम करती है। तो स्वामी जी, अगर हम देखें इनफर्टिलिटी के बारे में, तो लगभग ऐसा कहा जाता है जो बांझपन है वो लगभग लोगों में पूरी दुनिया में 18.6 करोड़ लोगों को है, पूरी दुनिया में स्वामी जी। तो इतने सारे लोग बांझपन से पीड़ित हैं, पूरी फैमिली उनकी अफेक्टेड है, और महिलाओं में लगभग 10% और पुरुषों में लगभग 12% प्रजनन से लिंक्ड समस्याएं हैं, उनकी दिक्कतें बढ़ती हैं। इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तो 90-99% लोगों को कमोबेश होते हैं, उन सबका समाधान योग आयुर्वेद में है। हाँ स्वामी जी। तो उसके बाद स्वामी जी, ये देखें कि इसका कारण क्या है, इनफर्टिलिटी होती क्यों है या इम्पेयर्ड फर्टिलिटी क्यों होती है। तो पुरुषों में स्वामी जी जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो डाइटरी न्यूट्रिएंट्स हैं अगर वो ठीक ना हो, और एनवायरमेंटल इशू जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, रेडिएशंस हैं, और ज़्यादा उम्र हो, थोड़ा सा मोटापा ज़्यादा हो, और बीमारियां हो डायबिटीज़ लिंक्ड, या फिर लिवर डिजीज़, या फिर कैंसर, इन सब का समृद्ध प्रभाव फर्टिलिटी पे पड़ता है स्वामी जी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पुरुषों में, फर्टिलिटी की पावर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, और अगर बीमारियां बरकरार रहें तो उससे ही फ़र्क पड़ता है। और डायबिटीज़ स्वामी जी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। डायबिटीज़ की वजह से बॉडी के बहुत सारे फंक्शन अफेक्ट करते हैं, फर्टिलिटी भी उनमें से एक है। और ये जितने भी मॉडर्न लाइफ के जितने भी पक्ष हैं, वो सब आपकी जीवनी शक्ति को और आपकी जो मूल जो पौरुष शक्ति पुरुषों में और माताओं का जो मातृत्व है उससे कम होता है। इसलिए वापस अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटना ही पड़ेगा यदि अच्छा जीवन जीना है। और स्वामी जी, अगर हम महिलाओं में बात करें तो एज एक बड़ा फैक्टर है, और जेनेटिक मेकअप भी एक बड़ा फैक्टर है। मतलब अगर पूरी फैमिली में ऐसे पास में कुछ हिस्ट्री रही है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और एक जो बहुत बड़ा कारण महिलाओं में है और भारतीय महिलाओं में ज़्यादा है, वो है फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज। जो ट्यूब्स हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर वो ब्लॉक होती है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। उसको स्वामी जी लोग सर्जिकली ठीक करा लेते हैं, और स्वामी जी कुछ हमारे आयुर्वेद में भी तरीके हैं जो उन ट्यूब्स को खोलते हैं। हमने तो दोनों के दोनों बंद ट्यूबों को ठीक किया हुआ है, कपालभाति से और फिर ये पॉलीसिस्टिक ओवरी जी पीसीओडी, उसका एक बड़ा कारण बनता है। यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, फिर पीरियड का इरेगुलर होना, वो भी उसका बड़ा कारण बनता है। महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस और थायराइड और मोटापा, ओबिसिटी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, इनफर्टिलिटी का, और बहुतों का बहुत पित्त बढ़ा हुआ तो बहुत चिंता होती है, उससे उनका जो ओवम है वो पूरा पुष्ट नहीं होता है।
स्पर्म का, उसकी स्पीड, स्पर्म की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसकी स्ट्रेंथ, उसका जो टोटल हेल्थ है ना, वो बहुत मायने रखती है। और लेडीज़ में ओवम अच्छा बने वो बहुत मायने रखता है। और वो योग से और आयुर्वेद की जो संतति सुधा औषध है, और पुरुषों में यौवनामृत, यौवनग्रिड और बहुत कुछ प्रयोग किया है, डॉक्टर साहब उसको पूरा विस्तार से बताएंगे। और इसमें योग बड़ा फ़ायदा करता है, इसमें बस्ती बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। तो वो तो सेकेंडरी है, आज जो है ये शिवलिंग के पुत्र जीवक और संतति सुधा के बारे में बता रहे हो, और साथ में ये बता रही है जीवनी शक्ति का क्षय कर रही हैं। जिन चीज़ों को तुम ये समझ रहे हो ना कि हम बड़े सुखी संपन्न हैं, बड़े संसाधन हैं हमारे पास में, जितने भी ये आधुनिकता से संबंधित जितने भी ज़्यादा तुम जो है ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंडबा जोड़ा, जितने भी तुम ये बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जोड़ते चले जाते हो, एड ऑन करते चले जाते हो, तो तुम्हारी आंतरिक शक्तियाँ उससे क्षीण होती हैं। वो इनफर्टिलिटी का बेसिक कारण। हाँ स्वामी, और एक जो आपने कहा स्वामी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, उसका स्वामी बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है, ओवरी टाइम पे ओवम को नहीं बना पाती और फिर फर्टिलिटी बहुत इम्पेयर्ड हो जाती है। और कभी कभी स्वामी जो गर्भाशय है उसकी अगर थिकनेस ज़्यादा हो तो उससे भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। एंडोमेट्रियोसिस, ये एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है ना वो भी हमने ठीक की है। ये सारे जितने भी गड़बड़ी है ना योग से, आयुर्वेद से और पंचकर्म षटकर्म से पूरी ठीक की हमने, उसी को ये बता रहे कि इन क्या कारण है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। जी तो स्वामी जी, फिर हमने इस पर देखा कि हम क्या रिसर्च कर सकते हैं। तो पूज्य आचार्य से जब हुआ डिस्कशन तो उन्होंने कहा कि पुत्र जीवक पे काम करेंगे, शिवलिंगी पे काम करेंगे। और फिर स्वामी जी हमने शिवलिंगी पे काम करना शुरू किया। और स्वामी जी मैं बड़ा देख के खुश हुआ कि वास्तव में ये जो बीज है शिवलिंगी की, ये देखने में शिवलिंग जैसी दिखते हैं। मैंने स्वामी जी उसका बड़ा वाला फोटो स्क्रीन पर है लगाया हुआ, तो आप एक एक सीट को देखेंगे वो छोटे छोटे शिवलिंग दिखते हैं, और तभी इनका नाम शायद शिवलिंगी है। और इनके अंदर अच्छे कंपाउंड्स पाए थे स्वामी जी। फिर हमने ये देखा कि अगर ये शिवलिंगी के बीजों में ऐसी पावर है तो क्यों ना हम इनके अलग अलग एक्सट्रैक्शन करें। तो पूज्य आचार्य ने कहा कि इनका हम तेल निकालते हैं, और तेल फिर स्वामी जी कैसे निकालें, तो उसके लिए स्वामी जी हमारे पास एक बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो भी स्क्रीन पर दिख रही है, इसको स्वामी जी हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इसमें स्वामी जी हम क्या करते हैं कि इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उस गैस को हाई प्रेशर पे लाके और ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप समझिए किसी भी गैस को लेंगे, उसे कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस लिक्विड को हम सुपर क्रिटिकल लिक्विड कहते हैं। उस लिक्विड में हमने इन शिवलिंगी के बीजों के पाउडर को डाला और फिर जो भी ऑयल उन सीड के पाउडर में था वो सब उस लिक्विड में ट्रांसफ़र हो गया, घुल गया ऑलमोस्ट। फिर उसको छान के स्वामी जी हमने उस प्रेशर को रिलीज़ कर दिया, तो गैस जो थी वो हवा में वापस चली गई। तो जो भी उसके कंपोनेंट थे, जो भी ऑयली थे, वो सब स्वामी जी नीचे रह गए और वो एक अच्छा प्यूरीफाइड तेल हमको तैयार हो गया। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव और थोड़ी ज़्यादा हाईटेक टेक्निक है ऑयल निकालने की, जो एक्सपेलर वाली तरकीब होती है जिससे सरसों का तेल निकलता है, तिल का तेल निकलता है, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का ऑयल से मिलता है। हमने तेलों के ऊपर भी, जैसे शिवलिंगा डॉक्टर साहब ने बोला तेल निकाला, हमने जो है ज्योतिषमती का तेल निकाल के दिया, वो वात रोगों के लिए, मस्तिष्क के लिए और कफ कोल्ड के लिए। तो एक बार डाल दो सब, मतलब सदियों पुराना, 10 20 30 साल, कई दशकों पुराना भी जो पलक में निकल जाता है। फिर करेले का तेल निकाला, करेले का वो तो मैं जो इन्होंने दिखाया क्रिस्टल की तरह जमा हो जाता है करेले के बीजों का तेल, और वो भी उसके भी अंदर जो है अलग अलग प्रकार के फाइटोकेमिकल्स और कुछ ऐसे मेडिसिनल गुण पाए गए हैं अप्रतिम। फिर ऐसे ही लहसुन का, इसकी भी टेक्निक्स हैं, और एक तो टेक्निक्स हैं मॉडर्न, वो तो अलग अलग प्रकार से करते हैं। हमने आयुर्वेद की जो ज्ञान परंपरा है उसको साधते हुए ये प्रयोग किया है, ये खास बात है। स्वामी जी तेलों की बात करें, स्वामी जी तो पूज्य आचार्य ने कहा था कि जो हमारे सरसों के तेल निकालने की विधि कोलू वाली है, जिसमें लकड़ी का ही स्टिक लकड़ी के ही बेसल में घूमता है, वो बना रखा आचार्य जी ने पूरा सिस्टम, उसके लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च किया आचार्य जी ने। पुराने जमाने का वही कोहलू, जामुन की लकड़ी का और वो सब स्वामी जी। और एक वो आँख पर पट्टी बांध के घूमने वाला बैल भी है, वो घूमता रहता है कोहलू का बैल। तो स्वामी जी हमने उस पर भी काम किया और देखा जो SCFE टेक्निक है जिससे हमने शिवलिंगी का तेल निकाला, उस तरकीब से अगर हम तेल निकालें सरसों का और एक उस
प्राचीन कोलू वाले तरीके से निकालें सरसों का तेल और फिर दोनों का केमिकल एनालिसिस करें। स्वामी जी हम लोग बहुत सरप्राइज हुए देख के कि कोलू वाली टेक्निक से निकाले हुए तेल के अंदर ज़्यादा गुणवत्ता पाई गई। वो कोलू का जो तेल है ना, वो किसी भी दूसरी टेक्निक से हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कुछ अलग प्रकार कुछ अलग था स्वामी जी। और स्वामी जी कुछ एंटी कैंसर कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन भी उसके अंदर काफ़ी सारा था। अब उस पर हम स्वामी जी काम कर रहे हैं। कंपाउंड है ऑरेंटामाइड एसीटेट जो नेचुरली पाया जाता है इन सरसों के बीजों में और जो निकालने की तरकीब है उस दौरान वो उसमें नष्ट हो जाता है, पर कोलू वाले में स्वामी जी उसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा था। तो ज़्यादा लोगों को तो नहीं लेकिन कुछ, और लेकिन वो महंगा बहुत पड़ता है। महंगा पड़ता है स्वामी। पूज्य आचार्य जी से मैंने पूछा, मैंने कहा कम से कम कितने में दे सकते हो, तो बोले लागत लग रही है 500 रुपए की, उससे कम में तो दूंगा नहीं। तो प्रोजेक्ट ही बंद पड़ा है 3-5 साल से। आज मेरे को ध्यान आया वो जो कैंसर के रोगी हैं उनको हम कम से कम वो कोहलू का तेल उपलब्ध करवा सकते हैं, केवल कैंसर के रोगियों को, क्योंकि तो दिन भर पूरा वो बैल चलता है, सारे एक मैन पावर लगती है उसमें, सारे संसाधन लगते हैं, वो दिन भर में 1-2 किलो पूरा तेल तैयार होता है एक बैल से। चल तो स्वामी जी शिवलिंगी पे हमने फिर सुपरक्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन किया और फिर इसके अंदर स्वामी जी हमने डिटेल एनालिसिस की और देखा कि जो GC-MSMS है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम किसी भी पदार्थ के ऑयली कंपोनेंट के अलग अलग अच्छे ऑयल का डेटा देख सकते हैं। अब स्वामी जी लास्ट टाइम जो आप बात कर रहे थे ये कुछ उसी की है शुरुआत। हमने समझ पाया इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के फैटी एसिड थे और फैटी एसिड ऐसे वाले जो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं और कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा था और स्टेबल था। लगभग हमको समझ इसमें 11% यील्ड मिली, मतलब 100 ग्राम बीज के अंदर 11 ग्राम तेल था और वो अच्छी क्वालिटी का तेल था समझे। तो जो हम सोच रहे थे सूखे सूखे बीज हैं पर स्वामी जी सूखे नहीं हैं, इनके अंदर काफ़ी काफ़ी ड्राई लगते हैं पर इनमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी, हाँ इनमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑयल मिला। और उसके बाद स्वामी जी हमारी टीम ने कुछ और काम करना शुरू किया। हमने स्वामी देखा कि अगर हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं फर्टिलिटी के लिए तो इसमें कुछ ना कुछ तो स्टेरॉल्स होने चाहिए। स्टेरॉल्स स्वामी कौन से, जो हार्मोन्स की हम बात करते हैं, जो आप लास्ट टाइम कह रहे थे फाइटोस्टेरॉइड, दो स्वामी जी हमें इसमें मिले, दो ऐसे फाइटोस्टेरॉइड मिले जो वास्तव में हार्मोन की तरह काम कर सकते हैं। एक तो स्वामी जी बीटा सीटोस्टेरॉल और एक है स्टिग्मा स्टेरॉल, कि दोनों स्वामी जी हमें इस तेल में मिले। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी जो बड़ा मोटा मोटा ब्लॉट दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक कलर की जो मार्किंग है उनकी नीचे ये जो बैंड है वो स्वामी जी हमने दोनों देखा इसी ऑयल में, शिवलिंगी सीड ऑयल जिसका कोड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे SLSO, सिंपल है शिवलिंगी सीड ऑयल। तो उसके अंदर स्वामी जी हमें दोनों अच्छे कंसंट्रेशन मिले और इनका डेटा भी रिप्रोड्यूसिबल था। हमने 4-5 अलग बैच लिए, अपने स्टोर से मंगाए, कुछ पूछ आचार्य ने भेजे और उन सबका एक्सट्रैक्शन करके देखा कि अच्छे अमाउंट के दोनों स्टेरॉइड, दोनों फाइटोस्टेरॉइड इस सीड के अंदर उपलब्ध थे। फिर इससे हमें कॉन्फिडेंस आया कि ऐसे वाले जो स्टेरॉइड हैं जो जनरली फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं तो क्यों ना क्यों ये भी अच्छे से काम करेंगे, शायद नेचर ने इनको इसीलिए ऐसा पैक किया हुआ है। फिर स्वामी जी हमने एक बहुत डिटेल एक्सपेरिमेंट किया और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्लाइड है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमने काम किया स्वामी जी जीवरा फिश के अंदर। इसमें स्वामी जी हमने बहुत सारे फिश का इस्तेमाल किया, मेल फीमेल दो टाइप के ऑफ कोर्स फिश यूज़ किए और दोनों के अंदर अलग अलग टाइप के कंपाउंड दिए। एक है एनेथाइल नाइट्रोसोयूरिया ENU जो दिया हमने फीमेल में, जिसकी वजह से उनकी ओवरी खराब हो गई, ओवरी का ग्रोथ खराब हो गया, उनके अंदर ओवा प्रोडक्शन बंद हो गया। और दूसरा स्वामी यूज़ किया मेटाजेंड्रोल मेल में, जिसमें मेल के अंदर उनके स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब हो गई। फिर स्वामी जी हमने बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए, हमने कुछ फिश के ओपरी ख़राब की, कुछ फिश के स्पर्म्स ख़राब किए, टेस्टिस के ऊपर जो उनके कार्य प्रणाली थी उसको अफेक्ट किया, फिर दोनों को पूरे प्रजनन तंत्र को डिस्टर्ब कर दिया स्वामी जी। और वो लगभग इस काम करने में स्वामी जी लगभग 30 दिन लगे, मछलियों को 30 दिन तक ये कंपाउंड खिलाए, क्योंकि ये कंपाउंड का इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। जो फर्टिलिटी है स्वामी जी वो तुरंत ख़राब नहीं होती, जैसे लीवर के केस में तो जैसे हम कुछ हम कंपाउंड देते हैं लीवर का इफेक्ट तुरंत आ जाता है, तुरंत लीवर ख़राब हो जाता है और वैसे मार्किंग आ जाते हैं। फर्टिलिटी में स्वामी जी टाइम लगा, लगभग 30 दिन तक हमने ऐसे किया और उनको फिर हमने स्वामी जी 14 दिन तक ऐसे छोड़ दिया। और उसके बाद देखा अगर हम उन दोनों मेल और फीमेल को मेट कराएँ क्या उनकी संतति हो रही है नहीं हो रही है,
जब वो दोनों इम्पेयर्ड एनिमल जिनका मेल और फीमेल सिस्टम दोनों ख़राब हो चुके थे उनकी प्रोजेनी से स्वामी जी हमने देखा कि कितने एम्ब्रियो बन रहे हैं, कितने अंडे आ रहे हैं और कितने अंडे वास्तव में बेबीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जिन जिन का स्वामी जी 20 से कम एम्ब्रियो आए थे, जिन जिन कॉम्बिनेशन का, वो हमें पता लग गया कि उनकी फर्टिलिटी अब इम्पेयर्ड है, वो अब आगे काम नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी उन ग्रुप को हमने आइसोलेट कर लिया और उन ग्रुप को फिर स्वामी जी हमने शिवलिंगी सीड ऑयल देना शुरू किया। अब एक क्वेरी इसमें ये आती है स्वामी जी कि फिश को आप तेल कैसे देंगे, ये तो हमें ओरली देना होता है, खिलाना होता है। तो उसके लिए भी स्वामी जी एक डिवाइस पैदा की जिसमें हमने जो फिश का खाना है उस खाने में ये तेल एक फिक्स रेशियो में मिलाया और छोटे छोटे पैलेट्स बना लिए, छोटे छोटे दाने बना लिए और वो दाने फिर फिश को फीड किए और देखा कि फिश को आराम से खा रहे हैं और एक दिन में कितना खा रहे हैं। इस हिसाब से समझे उनकी डोजिंग की और फिर देखा कि जब इनको हमने 14 दिन तक और डोजिंग करते रहे और 14 दिन के बाद जब उनको दोबारा मेटिंग के लिए रखा तो फिर कितने अंडे पैदा हुए और कितने उनके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुए। तो खाली अंडा ही भराना सफिशिएंट नहीं था, वो अंडे कितने कन्वर्ट हो रहे थे एडल्ट में, वो भी स्वामी जी एक हमारा क्रिटिकल फैक्टर था। तो ये लंबी वाली पूरी एक्सपेरिमेंट थी, लगभग स्वामी जी पूरी इस काम में 2.5-3 महीना लगे और ये देखिए कि किस टाइप के चेंजेस हमें कहाँ कैसे मिल रहे हैं और क्या फर्टिलिटी में फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। और स्वामी जी डेटा बहुत एक्साइटेड था, मैं आपको दिखाऊंगा, पर फीमेल केसेस में हमने देखा कि कॉन्सेप्शन रेट कितना था, फर्टिलिटी रेट कितना था, मेल में देखा कि फर्टिलिटी रेट क्या था, स्पर्म काउंट कितने थे, टेस्टिकल्स की साइटोलॉजी कैसी थी और स्पर्म की स्पीड कितनी थी। अभी आप जो कह रहे थे मोर्टेलिटी के बारे में, वो स्वामी जी बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। ह्यूमन कंडीशन में लगभग 60% से ज़्यादा स्पर्म अगर मोटाइल हो तो ठीक माने जाते हैं और अगर ऑफ कोर्स 90% तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन क्या है कि स्पर्म को स्वामी जी बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, अपने साइज़ के हिसाब से उसे बहुत दूर तक जाना पड़ता है स्विम करके जहाँ पे उसको फर्टिलाइजेशन करना होता है। तो अगर स्पीड कम होती है या ऊर्जा कम होती है तो स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसलिए स्वामी जी क्या है कि हमें ये देख पाना कि स्पर्म एक बार में करोड़ों स्पर्म निकलते हैं स्वामी जी, और अपने लक्ष्य तक कितने निकलते हैं? 100 मिलियन एक एजेकुलेशन में स्वामी, 100 मिलियन निकलते हैं एक बार। और इसीलिए कहते हैं कि ये संतति उत्पत्ति के लिए प्रयत्न होना चाहिए, उससे आपकी ऊर्जा का क्षय भी होता है, ठीक हो तो नए स्पर्म बन जाते हैं, इसलिए क्षतिपूर्ति हो जाती है। ये तो और अपने लक्ष्य तक एक या दो अधिकतम पहुंच पाते हैं मैक्सिमम, इतना ज़्यादा ये बहुत ही शरीर विज्ञान अपने आप में बहुत आश्चर्यों से भरा हुआ तत्व है जी। फिर स्वामी जी हमने देखा कि अगर हम ये देखें कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो स्पाइडर वेब ग्राफ है वो ये दिखा रहा है कि जो फर्टिलिटी कंसेप्शन और फंडिसिटी की जो कमी हुई थी फिश के अंदर, जो भी इम्पेयर्ड मॉडल थे जब उसमें स्वामी जी इस ऑयल का इस्तेमाल किया SLSO, तो स्वामी जी हमने इसमें 5 अलग अलग डोज यूज़ की थी। तो लगभग लोअर डोज पर स्वामी जी कोई इफेक्ट नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये ऐसे ही था। आज भी मैंने सुबह ही बोला था कम मात्रा में औषधि लोगे, कम मात्रा में योग करेंगे तो उसका कोई विशेष परिणाम सामने नहीं आएगा, इसलिए पूरी मात्रा योग की, पूरी मात्रा यज्ञ की, पूरी मात्रा थेरापियों की, पूरी मात्रा औषधि की, स्वस्थ व्यक्ति के लिए 102 गोली और बीमार के लिए 2 से 6 और 12 4 से 16 गोली तक हम देते हैं और 28 गुना तक डोज दे के देखे हमने कोई उसका साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट कोई उसके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं आती। तो स्वामी जी लोअर डोज था उस पर कोई इफेक्ट नहीं था, पर जैसे जैसे स्वामी जी हमने डोज बढ़ाते गए लगभग स्वामी जी हम गए 128 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम ऑफ फिश वेट, स्वामी जी उस डोज पे जाके इन सब पैरामीटरों में स्वामी जी 100% रिकवरी पाई गई, 100% स्वामी जी वो जो जो फिश थी जो मेट नहीं कर रही थी दे ऑल बिकम नॉर्मल स्वामी जी, उनके दनादन पैदा हो गए स्वामी, इतने सारे हो गए कि मतलब जिस बॉक्स में वो रहते थे वो भरना शुरू हो गया ज़्यादा ही पैदा हो गए। और उसके बाद स्वामी जी हमने ये देखा कि इसके अंदर अगर हम गिने कि कितने सारे अंडे हैं और किस तरीके से उनका रेट चेंज हो रहा है, तो स्वामी जी वो डेटा भी काफ़ी एक्साइटिंग था और वो हमको क्वांटिफाई कर पाए जो डेटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पर मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। पर मैं ये अभी कहना चाह रहा हूँ स्वामी जी कि इस ऑयल के इस्तेमाल से मेल फीमेल दोनों में बेनिफिट आया था, ये सिर्फ मेल सेंट्रिक नहीं था या फीमेल सेंट्रिक नहीं था, तो दोनों को हमने फीड कराया था और दोनों के रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त। ये पहली बार हमको भी पता लगा, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी शिवलिंगी पुत्र जीवक लेडीज के लिए लिखा हुआ था, हम केवल लेडीज को ही देते थे, हम लेडीज और जेंट्स दोनों को दिया और दोनों की इनफर्टिलिटी 100% दूर हो गई केवल इस संतति सुधा से। संतति सुधा हमने मेल और फीमेल
थोड़ा सा फॉर्मुलेशन में हमने फिर जो मेल स्केल होते हैं, शिलाजीत है, कोच के बीज हैं, अश्वगंधा शतावर है, और उसके अंदर वैसे तो कुछ जुंद बदस्तर आदि और दूसरी चीज़ें तो बड़ी ज़बरदस्त है, वो यमुन ग्रिड का फिर एक दिन दूसरी बार बताएंगे। हाँ, पर स्वामी जी अभी मैं कुछ इमेज लेके आया हूँ जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, जो सबसे ऊपर दिख रहे हैं स्वामी जी, ये नॉर्मल ओवेरियंस सिचुएशन है, और इनके अंदर स्वामी जी जब हमने बीमारी पैदा की तो ये सब आप जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, जो नॉर्मल ओवन सिस्ट है, वो सिस्ट बनना शुरू हो गया था, जो आप बीच वाला दिख रहे हैं, या बहुत सारे ओवन नहीं दिख रहे हैं, जब बिल्कुल गायब हो गए, तो जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं वो ओवम है स्वामी जी, वो सब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन वाले सबसे ऊपर हैं, उसके नीचे वाले जो आप देख रहे हैं वो खराब वाले कंडीशन में है। इसमें स्वामी जी अपने एलोपैथिक सिस्टम का एक हार्मोन है, एक दवाई है, उसको भी साथ साथ पैरल लगाया था लेट्रेजोल, और दिखाया कि उसके इस्तेमाल से रिकवरी आ रही थी, पर लेकिन जो 6 अलग अलग डोज शिवलिंग सीड ऑयल की थी स्वामी जी, लोअर डोज पे कोई इफेक्ट नहीं, और हायर डोज पर जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे स्वामी जी नॉर्मल सी आनी शुरू हो गई, और वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो ब्लैक कलर के ओवा हैं, भाई जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए प्रेजेंटेशन। हाँ, जो आप देखेंगे स्वामी जी, ब्लैक कलर का आपको दिख रहा सर्किल, वो सब वापस आने शुरू हो गए, जो बिल्कुल नॉर्मल सी की तरफ थे, वो हर एक फिश में दिखा स्वामी, इसमें एक ही ग्रुप में 25-25-25 फिश थे स्वामी जी, और ये फाइनल 100% रिजल्ट आना ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी दवा का, ये 100% रिजल्ट है इनफर्टिलिटी का, और इसमें खूब लोग लुटते पिटते बर्बाद होते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि जो टोटल ओवेरियन सिस्ट थे, क्या उनका नंबर कम हो रहा है और बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ रही थी वैसे वैसे ओवेरियन सिस्ट बढ़ रहे थे, और वो सिस्ट इस तेल के इस्तेमाल से स्वामी जी नॉर्मलाइज होने शुरू हुए, और ह्यूमन डोज के आसपास जाके तो स्वामी जी बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे, तो सिस्ट भी कम हो गए थे स्वामी जी। तो जो इनफर्टिलिटी के कारण है उसका भी निवारण होता है, कारणकारी सिद्धांत पर पूरा योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी काम करते हैं, जो रोगों के कारण हैं उसको हम निवारण करते हैं, इसलिए एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है केवल, और हम सिम्टोमेटिक प्लस सिस्टेमिक है, और आयुर्वेद की हर औषधि औषध होने के साथ वो इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि उसमें नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं, और वो एंटी एजिंग बनती, इतने बड़ा विज्ञान है जी। तो जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी वो तो बहुत बढ़िया है। तो हम अब जो देखेंगे स्क्रीन पर वो थोड़ा सा एक्साइटिंग देता है, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्वामी जी, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है येलो येलो कलर का, वो नॉर्मल ओवरी है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ओवर हम देख रहे हैं वो ओवरी है पूरे फिश की। ये इतनी ऐसे नहीं दिखती है, ये वो यंत्रों से खींचे हुए फोटो हैं। हाँ, ये सब पूरा क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज़ उनकी दिखाई देती है। हाँ स्वामी जी, अब जब उसके ठीक आप नीचे देखते हैं, ये वो वाले ओवरीज हैं जिनको कंपाउंड देके जिनको ख़राब किया गया था, जिनकी वजह से जो ENU के ट्रीटमेंट से ओवरी ख़राब हो गए थे, अब आप देखें वो सब ओवरी कंप्रोमाइज कंडीशन में है, एक भी एग वहाँ अच्छा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब जब इन्हीं ओवरी को, जब इन्हीं एनिमल को हमने जब स्वामी जी ट्रीट किया SLSO से, तो आप देखेंगे स्वामी जी डोज डिपेंडेंट रिकवरी आती दिख रही है। फर्स्ट जो आप देख रहे हैं बीच में वो खराब वाली ओवरी ऐसी हालत है, क्योंकि वहाँ डोज कम है, पर जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं स्वामी जी, लास्ट में देखिए जो बॉटम राइट का जो पैनल है वो एग्जैक्टली वैसा है जैसा कि नॉर्मल एनिमल में पाया गया था। तो जो डिजीज कंडीशन स्वामी जी, उसको हम वापस नॉर्मल ले आए थे, वो भी एट द लेवल ऑफ ऑर्गन, और ये स्वामी जी एक बड़ी बात थी, क्योंकि वो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद छोटा छोटा कुछ दिख रहा हो, हम सेल लेवल पर कुछ दिखा पाएंगे, पर एक ऑर्गन लेवल पर ला पाना स्वामी जी, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। ये बड़े निष्कर्ष हैं, बड़ी उपलब्धियां हैं, और ये पहली बार ये साइंटिफिक प्रयोग किया गया, नहीं तो लोग ऐसे विश्वास से खा लेते थे, तो विश्वास नहीं ये विज्ञान, ये स्वामी जी पक्का विज्ञान स्वामी। उसके बाद स्वामी जी हम शिफ्ट हुए मेल में, और ये देखा कि जो हमारे मेल थे उनकी स्पर्म की मोर्टेलिटी रेट, उनका फर्टिलिटी रेट, और उनका टोटल स्पर्म काउंट, अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो ये एक डेटा इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। तो जब फर्टिलिटी इम्पेयर हो गई थी स्वामी जी उन एनिमल की, तो उनके स्पर्म्स एक तो काउंट कम हो गए, और जितने भी थे उन्होंने स्विमिंग करनी अपनी स्लो कर दी थी, उनका मूवमेंट स्लो हो गया था। तो फर्टिलिटी का एक बड़ा कारण ये भी है कि राइट अमाउंट ऑफ स्पर्म्स हों और वो सब अच्छे से मूव कर रहे हों। तो वो उसको भी स्वामी देखा कि जब इन मेल एनिमल्स को जब ये तेल दिया गया था, और इस तेल के इस्तेमाल से, शिवलिंगी के इस्तेमाल से, उनके स्पर्म्स के काउंट इम्प्रूव हो गए, और स्वामी जी जो भी थे उनकी स्पीड भी बढ़ गई। तो वो दोनों पैरामीटर थोड़ी बड़ी बात थी। फिर हम देख पाए कि स्पर्म्स मूव हो रहे हैं, स्पर्म के नंबर बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से फर्टिलिटी का रेट बढ़ रहा है। वही एनिमल, वही फिश जब नॉर्मल फीमेल के साथ मेट कर रहे हैं, तो उनका जो फर्टिलिटी रेट है, जितने अंडे बाहर आ रहे हैं, जितने अंडे
कन्वर्ट हो रहे हैं एम्ब्रियोज में, उनका नंबर स्वामी जी लौट के वापस नॉर्मल हो गया था। तो पहले हमने फीमेल में देखा, इस बार हमने मेल में देखा, और मेल का स्वामी डेटा ये रहा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, मतलब स्पर्म्स का जो जनरेशन है बॉडी के अंदर उसको देखने का प्रयास किया है स्वामी जी। तो जो ब्लू बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो टॉप लेफ्ट है वो नॉर्मल है, उसके ठीक नीचे वाला डिजीज्ड है। जितने ज़्यादा ब्लू ब्लू हैं उतने ज़्यादा स्पर्म्स हैं। तो आप देख रहे हैं बीच में जो आप देख रहे हैं उसमें स्पर्म्स कम हो गए थे क्योंकि वो डिजीज कंडीशन में थे। और जब इनको हमने शिवलिंगी सीड ऑयल दिया तो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से लोअर डोज पे कम इफेक्ट, जैसे जैसे डोज बढ़ती गई वैसे वैसे इसका इफेक्ट स्वामी बढ़ता गया। लास्ट वाले आप स्क्रीन दोबारा दिखाओ बेटा। ये स्वामी जी देखिए, आप देख रहे हैं ना, पूरी लास्ट की स्क्रीन देखो, पूरे भर गए, पूरे भर गए स्वामी जी। इतने सारे हो गए स्वामी जी कि देवर वेरी मच क्लोज टू द नॉर्मल। और ये जो स्पर्म थे स्वामी जी वो सब तैर भी रहे थे, उनकी उनके अंदर मोटैलिटी भी थी, उनकी स्पीड, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी, उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ सब इम्प्रूव, पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ। तो स्वामी जी ये जब डेटा हमने बहुत सारे जर्नल में भेजा, स्वामी जी एक बड़ा जर्नल है इस फील्ड का, जर्नल ऑफ ओवेरियन रिसर्च, वो सिर्फ और सिर्फ ओवेरियन रिसर्च पे काम करते हैं, फर्टिलिटी पे काम करते हैं, और एक ऐसा थीम का जर्नल है जहाँ स्वामी जी हर्बल्स ड्रग के बारे में पब्लिश हो पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जनरली वो सिंथेटिक ड्रग के बारे में बात करते हैं, मॉडर्न ड्रग के बारे में बात करते हैं, और बताते हैं कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है, क्लिनिकल ट्रायल है, उसके बारे में बात करते हैं। हमने स्वामी जी एनिमल डेटा दैट टू फ्रॉम ए हर्बल सोर्स पहली बार में भेजा स्वामी जी, 3 हफ्ते के अंदर, इसमें स्वामी सबसे फास्ट तब तक 3 हफ्ते के अंदर स्वामी सबसे अच्छे कमेंट आए, और वो स्वामी जी वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था। तो जब स्क्रीन पर देखना स्वामी जी, ये वो वाला पेपर है जो जिसने ये पब्लिश किया कि शिवलिंगी सीड के इस्तेमाल से ज़ेब्रा फिश मॉडल के अंदर हम फर्टिलिटी को रिवाइव कर सकते हैं। तो ये स्वामी जी वहाँ छपा और ये बड़ा अच्छा रहा, स्वामी जी आपके आशीर्वाद से इसके फॉलोअपशिप काफ़ी सारे हैं, इसके बारे में स्वामी जी हमारे पास बहुत कमेंट आते हैं। हमारी एक अलग टीम अब सिर्फ जर्नल्स में जो पेपर पब्लिश है उनको कमेंट करने को डील करने में ही है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये हमसे स्वामी जी एक्सट्रैक्ट मांग रहे हैं ताकि वो वहाँ पर अपने यहाँ कुछ काम कर सकें। तो जो जागरण का काम जो आपने कहा था, पूज आचार्य की प्रेरणा थी कि हम ऐसा वाला काम करें कि और साइंटिस्ट भी इंस्पायर हो कि इस पर और एक्सप्लोर किए क्या जा सकते हैं, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल स्वामी जी शिवलिंग है। और फिर ये शिवलिंग के पुत्र जीव का अलग किया, अलग किया उसमें, वो एक दूसरा पेपर है उसमें भी हमने काम किया, फिर शिवलिंग पर अलग किया, पुत्र जीव पर अलग किया। ये जो दो ये आपको शुरू से मिल रहे हैं 30 सालों से, शिवलिंग पुत्र जीव जो है, ये तो अच्छा हुआ एक आदमी मेरठ या मुजफ्फरनगर का लेके गया, वो लेते हुए मतलब हमने तो दिया था पत्नी के लिए, वो खुद खा गया, उसको बीमारी थी, उसको भी बच्चा पैदा हो गया। क्या ये पहले की बात है, जब फिर हमने कहा कि दिवाई तो दी थी तेरी पत्नी के लिए, बोले जी मैं तो भूल गया, अपनी वाली पत्नी को खिला दी और पत्नी वाली मैं खा गया, फिर भी बच्चा तो हो गया। तो हमें पता बाद में लगा कि इसका कारण क्या है। तो ये दोनों खाली लेडीज के लिए नहीं, ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है शिवलिंग और पत्र जीवक। तो इसका पूरा रिसर्च करके और फिर इनका एक्सट्रैक्ट इसमें कर दिया, संतति सुधा ये औषधि बना दी इसके लिए। तो जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर अनुराग जी का।